गाइस एंड तुम सभी का स्वागत है पोकेमोन ग्लेस के दोबारा से एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जहां हम अब जोटो लीग के अंदर एलाइट फोर मेंबर से फाइट कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था कैसे हमने सबसे पहले एलाइट फोर मेंबर को हराया, जिसका नाम था इवान। और पिछले एपिसोड के अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि काफी ट्रेनिंग करूंगा एंड तुम मेरी ट्रेनिंग की तुम मेरा वो देख सकते हो एक कितने इम्पैक्ट पड़ा है। जो मेरा इन्फनीप है वो लेवल 90 का हो चुका है, म्यूटू लेवल 70, अबॉबी लेवल 82, लैटियास लेवल 73, मोनर लेवल 78, क्यूरम लेवल 76 का हो चुका है, जो कि यार काफी बढ़िया बात है, सही में काफी ज्यादा बढ़िया बात है। तो चलते हैं गाइस, अब हम सेकंड एलाइट फोर मेंबर से फाइट करने के लिए, जो कि है विटनी। हे चुराग, इट वॉज वे ऑसम दैट यू बीट इवान, आई न्यू यू कुड डू इट एंड नाउ वी गेट टू बैटल, लेट्स डू इट। तो गाइस अब हम फाइनली सेकंड एलाइट फोर मेंबर यानी विटनी से फाइट करने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे काम में आती है या नहीं आती, क्योंकि तो एम्बीपॉम काफी अच्छा पोकेमोन है, विटनी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। तो शुरुआत करते हैं मैक पंच, क्योंकि नॉर्मल टाइप की अगेंस्ट फाइटिंग टाइप मूव बहुत ही असर करते हैं, और तुम देख सकते हो एक ही शॉट में इसकी आधी से ज्यादा हेल्थ जा चुकी है और दो शॉट में एम्बीपॉम का काम तमाम हो गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो तुम देख सकते हो अगर मैं यही टीम अब पिछले एपिसोड में लाता, मतलब उन लेवल्स के साथ लड़ता, तो शायद से मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो लोग मेरे को बोलते आए थे कि ट्रेनिंग करो, उन सबको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने इतनी ट्रेनिंग नहीं करी, तुम सब लोग बिल्कुल सही थे। ओके, तो अब सॉरी वाली बहुत हो गया, अब फोकस करते हैं गेम के ऊपर। तो पॉइजन हो गया हूँ मैं, लेकिन पॉइजन वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि अपन के पास हील करने का सामान है और वो है लावा कुकीज। यस गाइस, लावा कुकीज से हम हमारे पॉइजन, मतलब पॉइजन क्या कैसे भी जो हील वाले मतलब कुछ भी हो रखा हो, सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो अगला अटैक मैं यूज करने वाला हूँ डेक, एटलीस्ट इसके पहले अटैक से बच जाऊंगा मैं। ओह शिट मैं गया काम से, मतलब इतनी ट्रेनिंग करना भी सब वेस्ट गया, सही में सब वेस्ट गया। ओके, नेक्स्ट पोकेमॉन फिर मैं अबॉबी को लाऊं, कि अबॉबी को ले आते हैं, मे बी काम कर जाए, होप सो। ओके, सोलो भी ट्राई मारते हैं, कितनी जल्दी मेरे पे वो हो रहे हैं। ओके, मेरे को पता है वो कुछ ऐसा यूज करेगी जिससे वो अपने आप को हील कर लेगी, तो अपन क्यों ना यूज करें, अपन भी यूज करेंगे भाई, मेरे को पता था वो ऐसा कुछ क्यों करेगी, उसने पॉइजन कर दिया। ओके, तो मैं भी रिस्क नहीं ले रहा, अभी मैं 16 भी मारूंगा, बस बच जाए, किसी तरह बच जाए हम लोग। ओके, पॉइजन से बच जाऊंगा मैं, मेरे को यकीन है। अरे भाई यार, इतू सा रह गया, इतू सा बस। ओके, अपन भी हार नहीं मानेंगे, अगर ये अर्थक्वेक से हमको हराएगा तो हम भी अर्थक्वेक से हराएंगे इसको, और फाइनली हमने इसे हरा दिया। ओके, लिकी है ये, तो अपन भाई एक काम करते हैं, लैटियास को यूज करते हैं, अगर इसके पास अर्थक्वेक हुआ तो एटलीस्ट मैं इसके अर्थक्वेक से बच जाऊंगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं ड्रैको मीटियोर से। ओके, फर्स्ट ड्रैको मीटर में इसकी आधी हेल्थ चली गई, तुम्हें भी सेकंड में और चली जाए, आपकी नहीं गई यार, ये खुद को हील भी तो कर रही है ना, बड़ी दिक्कत बात तो ये है सबसे बड़ी। ड्रैगन क्लॉ, ओके, अपने आप को इसने पूरा का पूरा हील कर लिया है, और हम अभी पॉइजन भी हो रखे हैं। ओके, हम लोग पूरे ही चले गए, पूरे के पूरे। ओके, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इस बैटल को कैसे जीतूंगा, इतने लेवल होने के बावजूद भी मैं हारे जा रहा हूँ, आई डोंट नो क्या होगा आगे चलिए। ओके, मैं सब अटैक ट्राई मारूंगा, कोई ना कोई अटैक तो काम कर ही जाएगा भाई इसके ऊपर, देखो मेरे को इतना तो भरोसा। अरे यार इसके तो, अरे ये टॉक्सिक का अलग ही हिसाब है यार इसका, मेरे पास टॉक्सिक पड़ा होगा तो मैं जरूर टॉक्सिक यूज करूंगा भाई, सही बता रहा मैं। ओके, बस अपने को दोबारा हील ना करे प्लीज। शेट, मैं हार गया भाई, सही बता रहा मैं हार गया, मेरे को नहीं पता इसके उसको कैसे हराना है, ये अपने आप खुद को रिपेयर भी कर लेती है, और मेन बात यह है कि इसके सारे पोकेमॉन्स को टॉक्सिक आता है, खुद को वापस हील कर लेगी। ओके, फाइनली हरा दिया हमने इसको।
ओके मिल्क टैंक है, तो मैं सबसे पहले काम करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे गेम को सेव कर लेता हूँ। राइट, गेम सेव हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले लावा कुकीज से मैं पॉइजन हटाऊंगा क्यूरम का। ओके देन बैग में जाऊंगा मैं, एंड मेरे पास रिवाइव है, इन सभी रिवाइव से मैं सभी पोकेमॉन्स को रिवाइव करने वाला हूँ ताकि मेरे बाद के काम में आ जाइए। बस मेरे को डर लग रहा है कि अभी अगर मेरा ये हाल हो रहा है तो आगे चल के मेरा क्या हाल होगा फिर, क्योंकि मिल्क टैंक अभी अटैक नहीं कर रही है, तो ये बहुत ही सही मौका है मेरे लिए अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को हील करना। तो जब तक मिल्क टैंक अटैक नहीं करेगी, अपने सारे पोकेमॉन्स को मैं हील करता रहूँगा। ओके नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ अबॉबी को। ओके ये बढ़िया बात हुई, अब इन्फनेप को लाते हैं और जलवा दिखाते हैं। तो मिल्क टैंक है लेवल 80 की और मैं हूँ लेवल 90, तो शायद से मेरे को यहाँ एडवांटेज मिल जाए। ओके यार इसका रोल आउट कितना भयंकर है भाई, सही में इसने मेरे को ऐसे हरा दिया। अबॉबी लेट्स यू 16 भी, मे बी 16 भी काम कर जाए हमारा। ये अब काम कर गया गाइस, काम कर गया, मतलब ये मैच अभी भी हमारे हाथों में ही है, समझ रहे हो ना गाइस, हमारे अभी भी हाथों में ही है। ओके 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 क्यूरम को यूज कर लेते हैं, उसकी भी हेल्थ बाकी है। सो अब मेन बात ये है कि क्या चैंसी को भी वो मूव्स आते होंगे जो कि इसके बाकी पोकेमॉन्स को आते हैं। तो भाई देखो फाइटिंग टाइप असर करेंगे तो रॉक स्मैश ट्राई करना सही रहेगा। तो ये अपने आपको हील भी कर रही है अंडे से, तो ये मेरे लिए बहुत डेंजर वाली बात हो गई है। और इस ऊपर इसके पास आइस टाइप मूव भी आते हैं, प्लीज काम कर जा। अरे यार ओके अगर ये यूज कर सकती है हाइपर पोशन तो मैं भी यूज कर सकता हूँ हाइपर पोशन। ओके मैं दोबारा खुद को हील कर लेता हूँ पूरा, बहुत बढ़िया। ओके अगेन रॉक स्मैश, कुछ भी करके भाई हराना है मेरे को अब, कुछ भी हो जाए। यस गाइस हमने हरा दिया फाइनली, अब से एक्सपीरियंस मिल चुका है। ओ भाई इस मैच को हराते हराते, मतलब इस विक्ट्री को हराते थे मेरी हालत टाइट हो गई। इट जस्ट अ लॉस विटनी, जस्ट अ लॉस, आई एम सॉरी आई गेट सैड व्हेनेवर आई लॉस, स्निफ जस्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट रूम। तो गाइस तुम्हें पता है मेरी पोकेमॉन्स की अभी इतनी हालत नहीं है कि मैं इन पोकेमॉन्स के साथ लड़ पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं इन पोकेमॉन के साथ लड़ूंगा और नेक्स्ट बैटल चाहे हम हारे या जीते लेकिन हम उससे बैटल करने जरूर जाएंगे। ऑलराइट गाइस मेरे सारे पोकेमॉन वापस से हील हो चुके हैं, अब बारी है इलेक्ट्रिक एलाइट फॉर मेंबर से फाइट करने की। वेल हाउ डू यू डू, हे कॉल मी Powell, it's a pleasure to meet a trainer interested in being the champ. So young too, but trust me, it isn't easy. I will just have to show you right. Alright guys, तो देखते हैं कि क्या हमारे ट्रायल सक्सेसफुल हो पाता है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं डालूंगा, नहीं जीता तब भी डाल दूंगा, जस्ट हमारी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं हम अभी भी देख ही लेंगे। तो लेवल 79 वर्सेस लेवल 90, शुरुआत में डिक से करूंगा, तो देखते हैं कितना असर पड़ता है उसके ऊपर। तो अब कोई वो कैसे भी अटैक करे हम पे असर तो होगा नहीं क्योंकि अभी हम अंडरग्राउंड है, अभी वो फिलहाल अपनी पावर्स को रेज कर रहा है। तो वैसे मेरे को यहाँ पे मॉनर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ओके वन शॉट में तो राइचू गया काम से, तो ये बढ़िया बात हुई वन शॉट में राइचू गया। तो नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है इसका, एम्फरोस। ओके एम्फरोस है, तो फिर मैं अभी इन्फनेप को यूज़ करना चाहूँगा अगर इसका डिग मूव काम कर रहा है तो, क्योंकि भाई देखो बाकी पोकेमॉन को वेस्ट करना नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि हमें आगे भी बैटल लड़नी है, तो मेरे पास अभी इतना सामान है नहीं कि मैं बचा सकूं उन सभी पोकेमॉन्स को, तो मेरे लिए सामान को बचा के रखना पड़ेगा ताकि वो मेरे आगे काम में आए। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके तो मुझे लगता है कि अभी अपने आप पर फुल रिस्टोर यूज नहीं करेगी, और इन्फनेप ने इसकी ऑलमोस्ट 60% हेल्थ डाउन कर दिया है, तो आई गेस ओके अब इसने वापस से एचपी लिटिल बिट बढ़ा ली अपनी, तो आई गेस थोड़े बहुत इसकी एचपी रह जाएगी, अगर ना रहे तो बढ़िया है। ओके अब मैं क्या यूज़ करना चाहिए भाई, इन डिग यूज़ कर लेता हूँ मैं। ओके नहीं वहाँ पे फ्लेम थ्रोअर, ऐसा भी क्या हो रहा है, हमारी सारी मेहनत खाक में चल जा रही है क्या। ओके इन अबे यार सेप्टाइल सोलास लीफ ब्लेड यूज़ किया मैंने,
मैं पैरालाइज हो गया हूँ, लेकिन अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है अब यहाँ पे। सबसे पहले तो हाइपर पोशन देना पड़ेगा मेरे को अपने बॉबी को, एंड मेरे को लीफ ब्लेड यूज करना पड़ेगा। यार काम क्यों नहीं किया उसके ऊपर ये? भाई साहब मेरे को लगता है सोलह भी माननी पड़ेगी, प्लीज काम कर जाए सोलह भी तो मजा आ जाएगा। अरे यार मेरे एक ही तो उम्मीद थी यार कि सेप्टाइल हरा देगा उसको। एक से काम बन जाए तो बढ़िया है, या काम बन गया गाइस, तो अभी भी चांसेस है हमारे जीतने के। गैल्वेंटुला, ओके मेरे को याद भी नहीं है गैल्वेंटुला नाम का पोकेमोन कौन सा है भाई। लेटियास यूज करते हैं, अच्छा ये है गैल्वेंटुला। अपन फ्लाई यूज करेंगे, एटलीस्ट हम इसके टैक्स से बचते जाएंगे। सोचो भाई इसका लेवल 80 का ही वाला। ओके कया काम से, यस इसके ऊपर ट्रैकोमीटर काम कर गया। ओके इलेक्ट्रोवायर, भाई साहब इलेक्ट्रोवायर है ना अपना मॉनर यूज करना पड़ेगा हमको। दो पोकेमोन बचे हैं, दो पोकेमोन इसके, सोचो भाई। ओ भाई रियली में एक ही अटैक में गया वो अर्थक्वेक से, भाई साहब भाई कतई मजा आ गया। मतलब हम अभी भी इस मैच को जीत सकते हैं अगर हम अच्छे से खेले तो। ठीक है मेरे पास दो अर्थक्वेक बचे हैं और वो लेवल 81 का है, तो क्या लगता है गाइस कि हम लोग जीत पाएंगे? अरे यार ये सब्स्टिट्यूट वाला खेल मेरे को गाइस बिल्कुल पसंद नहीं है, सब्स्टिट्यूट वाला खेल पता नहीं क्या अजीब सा अटैक है। यस गाइस हमने हरा दिया, यस भाई साहब तालियां बजाओ, लड्डू बटवाओ, मिठाइयां बटवाओ, हम जीत गए। यू हैव गॉट अ स्पेशल समथिंग अबाउट यू एंड दैट्स अ फैक्ट, भाई साहब कतई जहर हो रहे हम लोग आज। वेल आई कैन एडमिट व्हेन आई मेस अप यू आर एब्सोल्युटली पीस पीजी हेड ऑन टू द नेक्स्ट रूम। भाई साहब मैं यहाँ पे गेम सेव कर लेता हूँ उससे पहले मेरा लैपटॉप बंद हो जाए रियली में। तो गाइस आज की दो जो एलाइट फोर मेंबर्स फाइट करी है बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल थी, तुम्हें पता है कि यार कितनी ज्यादा मेहनत लगी इन दोनों को हराने में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। एंड नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इस गेम का एंड कर देंगे, मतलब टोटली एंड कर देंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं तुम सबसे अगली वीडियो में।